बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ शलजम का अचार। तो मैंने सोचा कि जो पहले मैंने आज नींबू का अचार बनाया था, पहले आपको वो दिखा दूँ। वो पक चुका है और उसको पकने में 2 हफ्ते लगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ धूप का मसला है, धूप बहुत कम आती है। चले आपको निकाल के दिखाती हूँ ये कैसा बना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। निकल चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। थोड़ा सा इस तरीके से शुगर भी डालेंगे। ये रहा, ये देखिए माशाल्लाह। इसको आलू के पराठे के साथ खाएं, बेसन की रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का बनता है। ये मुझे आपको दिखाना था कि देखें ये गल चुका है। आपको मैं तोड़ के भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से गल चुका है ये, और बहुत ही मज़ेदार है ये। ज़बरदस्त। देखें आप भी डालिएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलें अब आपको मैं शलजम का अचार बनाना सिखाती हूँ, जिसके लिए जो सामान चाहिए हमें वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने 1.5 किलो शलजम ले ली थी, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया छिलका उतार के। 4 चम्मच मैंने राई ली थी, जिसके कंकर मैंने निकाल कर उसे साफ करके पीस लिया। इसको आप खुद ही पीसिएगा, घर में ये पीसेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिरका लिया है मैंने खाने के 4 चम्मच। गुड़ लिया है मैंने खाने के 2 चम्मच। लाल मिर्च लिए पीसी हुई मैंने खाने के 1.5 चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने खाने का 1.5 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च लिए मैंने खाने का 1.5 चम्मच। नमक लिया है मैंने खाने का 1 चम्मच। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने पानी रख दिया था बॉयल करने, अब इसमें उबाल आ रहा है तो अब इसमें शलजम डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमें शलजम को पकाना है पानी में। देखें 4 मिनट हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी पानी में से ऐसे। बस 4 मिनट ही उबालिएगा इसको, शलजमों को इसमें। देखें ये इसको मैंने उबाल लिया था, अब इसमें सबसे पहले निकाल लिया बॉयल करके। लाल मिर्च पाउडर डाल ली हूँ, इसमें लहसुन अदरक 1.5 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, गुड़ 2 खाने के चम्मच, राई पीसी हुई 4 खाने के चम्मच, सिरका 4 खाने के चम्मच। इसको अच्छी तरीके से मिलाना है, अच्छी तरीके से मिला लें। ये देखें मैंने अच्छी तरीके से इसको मिला लिया मसाले को, और मैंने 3 गिलास पानी लिया था, उसको उबाल कर ठंडा कर लिया था 3 गिलास पानी को, जो इसमें हम डालेंगे। इसमें तेल नहीं डलता, ये पानी वाला अचार कहलाता है शलजम का, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है, और ये 10 दिन में तैयार होता है। 8 से 10 दिन में ये तैयार हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने सब डाल दिया है इसमें शलजम का अचार। अब मैं पानी डाल ली हूँ इसमें। तकरीबन इतना पानी डालना है कि ये डूब जाए शलजम हमारा। देखें माशाल्लाह से, ये देखें ये डूब गए। ये 8-10 दिन में ये रेडी हो जाता है, इसको हिलाते रहिएगा आप। ये बहुत ही मज़े का बनता है अचार। ये देखें इसको बनाइएगा ज़रूर, ये बहुत ही मज़े का बनता है। दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। दुआ में मुझे याद रखिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।